Hey guys, welcome to my YouTube channel. जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको काफी सारी अलग अलग वायल्स दिख रही होंगी। अब दोस्तों किस वायल के अंदर कौन सा सैंपल आता है, यही सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट काफी सारे कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस ब्लड कलेक्शन वायल के अंदर कौन सा सैंपल ले, मतलब किस वायल के अंदर कौन सा सैंपल आता है, यही सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। साथ ही साथ में एक एक वायल के हम डिस्कस करेंगे, किस वायल के अंदर कौन सा सैंपल आता है और इस वायल का क्या नाम है। जो भी वायल्स हैं सारी आपको दिख रही होगी, ये इस टाइप की आपको कलर कोडिंग्स की हम बात करेंगे, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग के इसका कलर किस टाइप का होता है और इसके अंदर कौन सा सैंपल आता है और ये किस टाइप की वायल्स होती हैं, हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रॉपर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ में दोस्तों जो भी लैब टेक्नीशियन है या TMLT स्टूडेंट है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस टाइप की वायल दिख रही होगी, ये वायल ये तीनों वायल कॉमन होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं EDT वायल, ये EDT वायल है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर नाम लिख रखा है EDT वायल। दोस्तों ये EDT वायल्स होती हैं, ठीक है गाइस। अब इसके अंदर कौन कौन से सैंपल होते हैं, ये लाइट थोड़ी लाइट पिंक कलर की होती है और ये ब्लू कलर की इस टाइप की EDT वायल होती है, ये तीनों EDT वायल होती है। इसका केवल कैप चेंज है, ठीक है गाइस, इसको रख लेते हैं हम आगे। ये EDT वायल होती है। अब EDT वायल के अंदर कौन कौन से टेस्ट जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है, EDT वायल्स का जो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एथिलीन डायमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। यह एक एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है, मतलब इसको आपको पता ही है एंटीकोगुलेंट होता है, इसकी सरफेस के ऊपर वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा। अगर ब्लड क्लोट नहीं होगा तो मतलब इस वायल के अंदर सैंपल लेने के बाद आपका ब्लड क्लोट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वायल की हम बात करते हैं, वो है दोस्तों प्लेन वायल, ठीक है गाइस। ये इस टाइप की रेड कलर की वायल होती है, इस टाइप की मैक्सिमम पॉपुलर होती है। EDT और प्लेन मैक्सिमम सभी लैबों के अंदर यूज की जाती है और ये काफी पॉपुलर होगी, आपने भी देखी होगी। इससे दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट लगते हैं। दोस्तों अब EDT के अंदर कौन कौन से टेस्ट जाते हैं हम बात करेंगे। तो EDT के अंदर टेस्ट जाता है वो जाता है CBC, PBF मतलब पेरिफेरल ब्लड फिल्म, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR, ठीक है गाइस। उसके बाद में जो भी कार्ड से लगते हैं टेस्ट, जो होल ब्लड टेस्ट है वो इसके अंदर जो भी लगते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और प्लाज्मा निकलेगा, जो प्लाज्मा के कुछ टेस्ट हैं जो, और दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं वो इस EDT वायल्स से लगते हैं। जो भी होल ब्लड से लगने वाले सारे टेस्ट, चाहे वो ESR काउंट, सॉरी गाइस इरेथ्रोसाइट काउंट हो गया हो, ठीक है गाइस, और CBC हो गया, सब टेस्ट इस EDT वायल से लगते हैं। EDT वायल की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं प्लेन वायल की। प्लेन वायल ये और ये दोनों वायल काफी पॉपुलर होती हैं। दोस्तों प्लेन वायल के अंदर कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, जो भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हो गए, चाहे यूरिया क्रिएटिनिन हो गया या RFT हो गया, रिनल फंक्शन टेस्ट हो गया, चाहे मिनरल एंड विटामिन का टेस्ट हो गया, पैनक्रियास फंक्शन टेस्ट, कार्डियक टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है गाइस, जो भी हार्मोन T3 T4 TSH ये सभी जाते हैं इस वायल के अंदर, रेड वाली वायल के अंदर। इसको हमने हटा दिया, अब हम बात करते हैं ये सबसे लंबी वायल होती है इस टाइप की, ठीक है। अब इस वायल के अंदर क्या जाता है, ये होती है, इसके अंदर एक जेल भी है, आप देख सकते हैं। इस वायल को हम कहते हैं SST वायल। SST की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सीरम सेपरेशन ट्यूब। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम जैसे ब्लड लेते हैं तो इसके अंदर एक जेल होता है जो क्या करता है, RBC और प्लाज्मा को सेपरेट करता है। इसके अंदर सीरम बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इस वायल के अंदर यही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये देख सकते हो इस टाइप का थोड़ा सा जेल होता है जो वायल को सेपरेट कर देता है, ठीक है गाइस, ये सेपरेट कर देता है ब्लड को, RBC को सेपरेट कर देता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये सिलिका पार्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों SST वायल के अंदर कौन कौन से टेस्ट जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, CRP हो गया, LFT, बोन प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, और काफी सारे टेस्ट, कार्डियक टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, और जो मिनरल एंड विटामिन के टेस्ट, जो भी बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट है, बायोकेमिस्ट्री, ऑन्कोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के सारे टेस्ट इस वायल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वायल होती है, और ये सिलिका पार्टिकल्स और एक जेल होता है जिससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इसका कलर जो होता है येल्लो कलर का होता है। उसके साथ ही साथ में दोस्तों ये भी जो प्लेन वायल इसे हम कहते हैं, इसका बस केप चेंज होता है। ये तीनों वायल एक कैटेगरी के अंदर आती हैं, इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट लगते हैं, और ये तीनों वायल एक कैटेगरी के आती है, इसके अंदर CBC, ESR, और दोस्तों ये लाइट पिंक है ना, इसके अंदर ब्लड ग्रुप के लिए और क्रॉस मैच के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ये ग्रीन टाइप की, दोस्तों
ग्रीन के अंदर दो टाइप की वायरस आती हैं, ठीक है गाइस। इसके अंदर एक तो आती है सोडियम हिपेरिन, ये सोडियम हिपेरिन आप देख सकते हैं, और एक आती है लिथियम हिपेरिन, ठीक है गाइस। एक सोडियम हिपेरिन, एक आती है लिथियम हिपेरिन। अब इन दोनों वायरस के अंदर बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, ऊपर लिखा हुआ होता है, आपको ध्यान से देखना है। एक थोड़ी लाइट होती है और एक हल्की सी डार्क होती है। अब इसके अंदर कौन सा टेस्ट जाता है, तो सोडियम हिपेरिन के अंदर जाता है वो होता है अमोनिया, फिर उसके बाद में इंसुलिन इसके अंदर जाता है, और जो लिथियम होती है लिथियम हिपेरिन के अंदर कौन सा टेस्ट जाता है, उसके अंदर जाता है जो टेस्ट जाता है वो है पीसीआर, ठीक है। उसके बाद में डीएनए एप्लीकेशन, ठीक है गाइस। उसके बाद में ये टेस्ट इसके अंदर जाते हैं, और ईएसआर भी जाता है, ठीक है, लिथियम हिपेरिन के अंदर। फिर उसके बाद में आपको दिख रही होगी ये वाइल, जो लाइट ब्लू कलर की आपको ब्लू कलर की वाइल्स दिख रही होगी, इसे हम पीटी वाइल भी कहते हैं, और सोडियम साइट्रेट भी इसे हम कहते हैं। इसकी इसके अंदर सोडियम साइट्रेट होता है, एंटीकोगुलेंट होता है। फिर उसका इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट जाते हैं, वो जाता है पीटीआईएनआर, एपीटीटी, ठीक है गाइस। उसके बाद में डी डायमेट टेस्ट इसके अंदर जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको ये वाइल दिख रही होगी ग्रे कलर की, जिसे हम कहते हैं ये शुगर के लिए मैक्सिमम इस वाइल को यूज किया जाता है। ये वाइल है, ये है वैक्यूम, ठीक है, इसके अंदर वैक्यूम से, और ये विदाउट वैक्यूम वाली, ठीक है, वैक्यूम ट्रेनर आप देख सकते हैं, इस टाइप की वाइल्स होती हैं। तो अब इसके अंदर जो जाता है जीटीटी टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके अंदर जीटीटी टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इस वाइल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने देखी होगी ये पूरी मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और मतलब दोस्तों कभी कभी कांच की वाइल्स भी होती हैं, ठीक है, ये कांच की वाइल है। इसके अंदर इस टाइप का कुछ देख सकते हैं केमिकल होता है, और इसका जो यूज होता है वो होता है ब्लड कल्चर के लिए, ठीक है। ब्लड कल्चर इसके अंदर दो टाइप की होती है, एक येलो कलर की कैप भी आती है दोस्तों, वो थोड़ी चेंजेस होगी पर बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। उसके अंदर येलो के अंदर और इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि जो भी सैंपल्स होते हैं, जो एडल्ट होते हैं उनके सैंपल इसके अंदर जाते हैं, और जो ओल्ड एज होते हैं 60 से ऊपर होते हैं उसके अंदर जाते हैं, ठीक है। इस कल्चर वाइल के अंदर ये होगा। और अब ये वाइल कौन सी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करके बताना है। आप देखी होगी आपने मैक्सिमम ये वाइल, इस वाइल का हम यूज करते हैं, आपको पता ही है कोविड टेस्ट के लिए, मतलब ठीक है गाइस, जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। आरटीपीसीआर स्वैब से हम इसको यूज करके इसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसको तोड़ देते हैं, इसको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस लाने की, आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों आपने देखा किस टाइप से किस वेल के अंदर कौन सा सैंपल जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।